सर एलआईसी का देखिए आज की लिस्टिंग हो चुकी है, वैसे डेटा तो बहुत ही कम होगा निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी कुछ राय बन रही है क्या? सर मैंने आपको, आपने लास्ट टाइम में पूछा था एलआईसी के बारे में, मैंने कहा था आईपीओ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब तो आईपीओ खत्म हो चुका है सर, अब तो लिस्टिंग सर अभी भी इंटरेस्ट नहीं है सर, 15-20 रुपया के रेंज पे चल रहा है सुबह से, कोई मतलब है नहीं सर। गई है। सर कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं। आईपीओ है, अब जिस हिसाब से प्राइस ऑलमोस्ट लेवल टू लेवल है, अब सबको एग्जिट करना है, तो मेरे हिसाब से एक बार ये प्राइस डिप होके 800-850 तक आ सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, जब तक ये आठ सौ 940 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक इसमें बड़ा फूम नहीं आएगा मेरे हिसाब से। 860 का लो भी लगा ही चुका है, बाजार की तेजी के साथ में थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है और उतना भी नहीं कर रहा है, बाजार अपने रिहाइज के आसपास काम कर रहा होगा, निफ्टी एक 1.8% के आसपास है, करीब ऑलमोस्ट 280 पॉइंट की तेजी के साथ में, हाँ रिहाइज पे है, और कहाँ बाजार की तेजी, और ये एलआईसी उतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर जरा सा भी कुछ कमजोरी आई, कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बहुत जल्दी इसके अंदर में गिरावट भी आ सकती है, तो थोड़ा सेटल डाउन होने देते हैं, फिर आराम से देखेंगे इस पे व्यू बनाएंगे सर अगर फिलहाल। रिस्की ट्रेडर है, कोई 875 के नीचे का स्टॉप सस्टेन करे, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं उसको इंट्राडे के लिए, ठीक है, और 904 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। तो एक शॉर्टिंग की फिर भी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिल सकती है, ये कहना चंद्र जी तो उस पर नजर रख सकते हैं एलआईसी में ट्रेडिंग के लिए, और इंट्राडे के हिसाब से ही ये व्यू है, बाकी चीजें हम लोग बाद में अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में फंडामेंटल्स के हिसाब से, क्योंकि फिलहाल कुछ उसमें ट्रेंडिंग।